हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वरी चैनल के एन अकेडमी सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो मैं मल्टीपल जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जैसे कि हम एमेजन की सीम्स एंड कॉन्सूल एंड आपकी कैंडल के हायरिंग ड्राइव के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम अमेजॉन सो इज दे आर हायरिंग फॉर टेस्टिंग एसोसिएट सो आपका जो जॉब टाइटल होने वाला है वो टेस्टिंग एसोसिएट होने वाला है हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं तो कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे है बीई बी टेक एम एस सी आई टी एम सी ए सो इसमें बी टेक एम सी ए और एम एस सी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेस्टिंग नॉलेज एंड गुड एडिकल स्किल ओके सो बेसिकली आपका टेस्टिंग एसोसिएट के लिए तो आपको यहाँ पर टेस्टिंग की नॉलेज होना चाहिए एंड आपके पास रिलेटेड डिग्री होना चाहिए एंड आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो है चेन्नई ओके सो इफ यू हैव रिलेटेड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स यू कैन अप्लाई इन दिस जॉब सो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम सीमेंस करेंटली हायरिंग फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर जो आपका जॉब लोकेशन होने वाली है वो है बेंगलोर एंड आपकी यहाँ पे जॉब आईडी है तो आप इसके रिगार्डिंग रेफरेंस भी ले सकते हैं एंड दिस इज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यूज यूर स्किल्स टू मूव वर्ल्ड फॉरवर्ड लाइक वॉट स्किल्स यू शुड हैव हैस्ट बी ए क्वालिफाई बी टेक और बी इन कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो बेसिकली आपके पास आप बी ई और बी टेक डिग्री होना चाहिए विथ रिलेटेड ब्रांच एंड शुड हैव एक्सपीरियंस इन प्रोसेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रामिंग स्किल्स एडवांस नॉलेज इन सी सी प्लस प्लस डेवलपमेंट सो बेसिकली आपको यहाँ पे एडवांस नॉलेज होना चाहिए सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग स्किल्स की नॉलेज होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्ट्रॉन्ग एक्ल एंड प्रॉब्लम सोलविंग स्किल्स एबिलिटी टू लर्न एंड एडेप टू न्यू टेक्नोलॉजी ओके सो आपके पास यहाँ क्वालिफिकेशन है ना स्किल्स है अगर आपके पास रिलेटेड क्वालिफिकेशन है स्किल्स है डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड इस जॉब आई के थ्रू आप सीवंस पर रेफरेंस भी ले सकते हैं सो so, सीमेंस के अभी काफी हायरिंग चल रही है ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम कौनसिलियो आर हायरिंग फॉर एसोसिएट डेटा ऑपरेशन इसमें आपके बीसी और बीएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं तो बस यहाँ पे एमेजोन की एंड आपकी जो सीम की जो उसमें आपके बी बी टेक एम एस सी और एम सी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपके बी सी एंड बी एस सी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेसर्स विद द राइट एप्टीट्यूड एंड जीरो टू टू ईर्स ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड अदर रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि बी सी और बी एस सी के कंप्यूटर्स और इन्फॉर्मेशन साइंस के फ्रेशर जो है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं

बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट डेटा बेसिस बेसिक नॉलेज ऑफ जेड ओ एस एंड ऑपरेटिंग मॉनिटरिंग फंडामेंटल ऑफ बैकअप रेज टू टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड एंड क्लाउड कम्प्यूटिंग सो बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा आई टी के फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए और आपको यहाँ पे बैकअप एंड री एस टू टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डेटा बेस की नॉलेज होना चाहिए सो so यहाँ पे बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डिग्री कोई भी मैं नहीं है सो आई एम एजूमिंग डेट एनी ग्रेजुएट कैन अपलाई लाइक वीई बी टेक और बी एस सी बी